नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बलिया में नगर पंचायत सिकंदरपुर के रहिला पाली में स्थित वंदना कोचिंग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी में नेहरू युवा केंद्र बलिया द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुद्दा आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं वंदना कोचिंग के बच्चों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत अभियान, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा का मंचन कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएन त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी नवानगर, विशिष्ट अतिथि सुशील कुमार, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष द्वारा शिक्षा एवं सुकन्या मंगला योजना पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में योगेंद्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी जहीर आलम, प्रधान अध्यापक सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आज आप नेहरू युवा केंद्र बलिया द्वारा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसमें आए हुए हैं, तो इसमें एक कार्यक्रम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके अंतर्गत कन्याओं के लिए क्या योजना है आप लोगों के माध्यम से? अब ब्लॉक स्तर से तो एक कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें 15,000 रुपये की अनुग्रह धनराशि मिल रही है और वो विभिन्न स्टेज पर मिल रही है। जैसे बच्चा पैदा होता है तब, जब एक साल का टीकाकरण हो जाता है तब, कक्षा एक में जाता है तब, कक्षा छः में जाता है तब मिलता है, कक्षा नौ में अपना स्नातक में जब प्रवेश परीक्षा प्रवेश करता है तब मिलता है, कुल 15,000 रुपये मिलता है। पात्र कौन? जिनके पास दो बच्चे हैं कि तो दो लड़कियां हो या एक लड़का लड़की हो या जुड़वा लड़के अगर दूसरा पैदा हुए हैं तो तीन को भी मिल जाएगा। सर, उसके लिए जैसे इस योजना का लाभ उठाने के लिए हम अप्लाई कहाँ करेंगे? किसी भी जनसेवा केंद्र पर आप जाएं, वहाँ से अप्लाई कर दें और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दें, वो आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वीडियो के पोर्टल पर जाएगा और शहरी क्षेत्र है तो एसडीएम साहब के पोर्टल पर जाएगा। ये हम लोग हर ब्लॉक लेवल पे इस कार्यक्रम को करते हैं और हमारे एनवाईवी होते हैं, एनवाईवी हर ब्लॉक में जाकर जो जो आज के करेंट में टॉपिक होते हैं उनको विषय बनाकर हम लोग हर ब्लॉक में अपना ये कार्यक्रम करते हैं। यह कार्यक्रम कितने दिनों पर आयोजित होता है या कोई इसका प्रारूप है? नहीं सर, ये हर महीने होते हैं, हर ब्लॉक लेवल पे हम लोग 17 ब्लॉक में ये कार्यक्रम एनवाईबीओ द्वारा कराते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहता है? इसमें जितना हम लोग अवेयरनेस कर दें, लोगों को जानकारी कर दें कि इसके बारे में क्या है, क्या विषय है आज के डेट में, वो हम सारी जनता को बताते हैं। सर, जैसे खेल कूद भी इसमें आता है तो वह कार्यक्रम खेल को नेहरू युवा माध्यम के तरफ से साल में कितनी बार होता है? हम लोग का होता है ब्लॉक लेवल और एक होता है जिला लेवल का, ये दो गेम हम लोग का होता है, ये हर महीने हम लोग का ब्लॉक लेवल का होता है और 6 महीने बाद एक जिला लेवल पे होता है। इस नेहरू युवा मंच के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो सरकारी योजनाएं चल रहे हैं उसके बारे में इंटरनेट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जानकारी। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।